अभी हो गया ये है आपका, इसका नाम क्या बोला है भाई, इसका नाम बोलो आप। इसका नाम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको भी नहीं आ रहा है। चलो ये भी हिमाचल से ही है, पहाड़ी इलाके पे है। अब आगे आइए, मैं आपको आगे दो तीन चीज़ें इस फूल के बारे में बताते हैं। ये सारे फूल है, फूल में से कई एक चीज़ है जो फूल पर मैंने कलम किया है। देखिए ये वाइट है एक ही जगह पर, ये भी ये कलर है, या पत्ते से आपको पता चलेंगे। ये भी एक पत्ता, ये भी आपको अलग, इसका अंदर चार किस्म का, ये देखो आप कलम किया है, फूल आपको खिलेंगे, लेकिन ये साल किया इसलिए अभी दो किस्म का। आगे आगे आपको बताते चले, ये है आपका ब्लैकबेरी, इसके के नाम कहते हैं ब्लैकबेरी है। ब्लैकबेरी भी बिल्कुल बाहर कामयाब है लद्दाख में, हर जगह में। अच्छा आगे अब आइए, ये है नींबू, ये नींबू है, संतरा है क्या ये, वाह ये उठा, ये देखिए ये है नींबू, यहाँ लगा हुआ है और आगे यहाँ लगा हुआ है। ये है आपका संतरा, ये भी लगा हुआ था कहीं था, हाँ यहाँ पर लगा हुआ है, ये है संतरा। अब घुमा फिरा के ये जो संतरा है, हाँ आगे एक चीज़ रह गई, मैं अभी आपको लास्ट एक चीज़ दिखाते हैं, उसके बाद हमारा काम करते हैं। ये है आपका अंगूर के छत, इसके ऊपर आपका कम से कम चार या पांच किस्म का अंगूर इसके ऊपर आया हुआ है। अभी ये पका नहीं है, अगर ये पक जाता तो आपको हर किस्म का अंगूर आपको देखने को मिलेगा। और ये है आपका, ये क्या है, ये है पलम, इसका नाम है पलम, पलम है पलम, चलो कोई पलम कहते हैं, कोई पलम जो भी है, ये भी एक फ्रूट है। आगे ये सारे अखरोट, ये तो कदीम ज़माने के हैं। आगे आइए ग्रीन हाउस के अंदर, यहाँ सब है हो गया। अच्छा देखिए ये है जामुन, जो इस पर लिखा हुआ था जामुन है, ये गुलाब जामुन आपको, ये भी एक केवी है आप देख रहे हैं। ये है एक खुशबूदार, मतलब जो भी है इसका मुझे नाम पता नहीं है, ये भी एक खुशबूदार पत्ता है। और आपका यहाँ बता दें, ये भी एक, इसका नाम लिखा हुआ था, ये भी एक पंजाब से आया है, जो हिमाचल से आया है, ये यहाँ पर सक्सेसफुल है। ये भी एक फ्रूट है, ये देखो ये मुझे, ये भी एक फ्रूट है जो होता है, इसके बारे में मुझे तो मतलब